महिला को डायन बताकर मारी गोली। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत ओरलहा पंचायत के कर्णपट्टी वार्ड नंबर 14 की है। मृतक के परिजनों ने बताया कि हमारी पत्नी को बगल के ही दबंग लोगों ने डायन बताकर गोली मार दी, जिसे इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचाने से पहले ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही त्रिवेणीगंज SHO ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर मृत शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल भेज दिया। SHO संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, आगे की कार्रवाई जारी है। अब देखना लाजमी होगा कि मृतक के परिजनों को दबंग लोगों से कब तक न्याय मिल पाती है, या सुशासन बाबू के राज में ऐसे ही दबंग लोगों की मोनोपोली बढ़ी रहती है। स्वर्णा के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। की नाम बोलो? कहाँ घर छ? करणपट्टी वार्ड नंबर 14। क्या मामला था? रात में के गोली मार दिया मालूम चला? आप घर पर नहीं थे, कौन था घर पर? पिताजी था, भाई था। मालूम चला ना के मारा गोली? पिताजी है आपका? क्या नाम हुआ? कहाँ घर है? वार्ड नंबर 14। क्या मामला था? क्या मामला हुआ? आप कौन है आपका? पत्नी है। क्या क्या हुआ इसको? गोली मार दिया। क्या मारा गोली? रामदेव मेहता। क्यों? रामदेव यादव। क्या मामला था? जो मनोज यादव। रामदेव यादव, मनोज यादव। और क्या मामला था? और क्या था? और क्या था? क्या मामला था जो गोली मारा? डायन के बारे में। क्या कह रहा था? डायन कह के गोली मारा? कब मारा गोली? रात में। सर आपका? कहाँ घर है? ये महिला क्या लगेगा आपको? अच्छा, क्या मामला था इसको, क्या हुआ? यही था कि औरत सब की जो है लड़ाई झगड़ा भी करता था, ये जान जोगिंद है, इसलिए इसको पहले से हिंदू प्रदेश रखा था जो हम इसको मार देंगे। सामान वामान खिलाया गया था खरीद के, उनके लड़का लोग जो है रामदेव यादव, शामदेव यादव, संजय यादव और उनका लड़का है मनोज यादव, ये लोग ग्रुपिंग करके जो है इनको रात में 12 बजे। क्यों मारा गोली इसको, क्या मामला था, मतलब क्या कहता था कि ये डाइन है, जोगिंद है, अभी पकड़ा भी है किसी को? अभी मनोज यादव जो है थाने में है। एक आदमी को पकड़ा है? जी जी, जो मेन जो आदमी है उसका घर कहाँ है? उनका भी पड़ोसी है हमारा, पड़ोसी। आप लोग टोटल करणपट्टी वार्ड नंबर 14 के ही हैं? जी जी। घटना घटी है ओरला पंचायत में करणपट्टी का, क्या मामला था? आज रात्रि सुबह करीब 2:15 बजे सूचना मिली कि एक रेणु देवी नाम की महिला, उम्र उनका करीब 40 वर्ष है, अस्पताल आई हुई है और उनके सिर ललाट में बाएं तरफ गोली का निशान है और उससे इनकी मृत्यु हुई। तत्साल वहां जाकर के उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उनके पति द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया, इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी भी है उसमें? क्या अभी नहीं, पूछताछ जारी और जाँच जारी। गोली का मतलब उसकी मौत हो चुकी है? उसकी मृत्यु हो गई है, यहाँ पर वो अस्पताल में उससे ब्रॉड डेड मैंने मृत्यु भी लाया गया था। अच्छा, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Prime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।